किन्हीं को केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में पहले अपना न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन पर जैसे ही मैंने भंडारा खा के वापस गया, चार्जर पड़े हुए हैं टेंट के अंदर घुस के आईफोन चोरी कर एक राजपूत नीचे चला गया। तुझे सामने का कुछ इस तरह का नजारा है और वो आप देख सकते हो और वहाँ बैठे हैं हमारे महादेव। तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आपका भाई भी मस्त है, अच्छा खासा है। तो भाई साहब, अभी ना सुबह के 10 बज चुके हैं और मैं ना जगा था 4 बजे ही, मैंने जाके महादेव का दर्शन किया। उस समय ना काफ़ी ज़्यादा रश थी। तो भाई साहब, एक ना बहुत बैड न्यूज़ है, यहाँ पे साइड में ना एक आश्रम है, सीताराम आश्रम। मैं ना वहाँ गया था भंडारा खाने के लिए और मैंने अपना पावर बैंक और आईफोन चार्ज लगाया था। मैंने आईफोन का, मुझे डर था कि आईफोन कहीं चोरी ना हो जाए, मैंने पावर बैंक वहीं छोड़ दिया। भाई साहब, जैसे ही मैंने भंडारा खा के वापस गया भाई साहब, मेरे ना वहाँ पे चार्जर पड़े हुए हैं, बस पावर बैंक गायब है। इसलिए कि आपको ज़्यादा वीडियो जल्दी जल्दी नहीं आ रही है, बट कोई नहीं, यहाँ से मैं जाऊँगा नीचे सोनपड़िया और वहाँ पे मैं नया वाला पावर बैंक खरीद लूँगा। और भाई साहब, आज का ना आप पूरा ब्लॉग्स देखना, क्योंकि इसमें आपको हम बाबा केदार के दर्शन कराएंगे, भीमशिला के दर्शन कराएंगे, ऊपर बाबा भैरव है उनका दर्शन कराएंगे, इधर पीछे शंकराचार्य महाराज है उनका दर्शन कराएंगे, और वो पहाड़ों पर सबसे ऊपर भाई साहब वास्की ताल है उसका दर्शन कराएंगे। 16 जून 2013 में केदारनाथ में भाई साहब महाप्रलय आई थी। तो आप देख रहे हो ना, उस साइड से ना पूरा बादल फट गया था, सारे मलबा पहाड़ पत्थर सारे इस साइड से पूरा बह रहे थे, कितने हजारों हजारों लाखों आदमी की जान चली गई थी। तो उसमें ना भाई साहब, ये जो आप पत्थर देख रहे हो सामने, इसे भीमशिला कहते हैं, और ये ना जस्ट केदार बाबा के मंदिर के पीछे आके रुक गई थी, जिस कारण भाई साहब मंदिर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुँचा, और तब से इस पत्थर को भीमशिला के नाम से जाता है। अगर भाई साहब आप केदारनाथ महादेव के दर्शन करने आते हो तो आप भाई साहब भीमशिला का दर्शन जरूर करना। बड़ा सा पत्थर ना मंदिर के पीछे आके टिक गया था, जिस कारण भाई साहब मंदिर को जरा सा भी क्षति नहीं पहुंची। 10 मई को केदारनाथ कपाट खुला है, और आप यदि केदार बाबा के दर्शन करने आते हो तो भाई साहब 10-20 दिन बाद आना, नहीं तो आपको इस टाइप का रस देखने को मिलेगा। अगर आप सुबह 4 बजे लाइन में लगते हो दर्शन करने के लिए, तो भाई साहब आप 8 से 9 बजे मतलब 4 से 5 घंटा बाद आप दर्शन करोगे। सब रात में हमने कुछ इस जगह पर अपना टेंट लगाया था, और यहाँ ना बहुत सारे यूट्यूबर टेंट लगाए थे, कम से कम 50 से 100 यूट्यूबर आए थे इस जगह पर टेंट लगाने के लिए, और बहुत सारे यूट्यूबर है जो कि वो साइड लगाए हुए हैं, बहुत सारे हैं जो आश्रम के साइड लगाए हुए हैं। तो फिलहाल अपना भी टेंट से पूरा पैक करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, साइड में मंदाकिनी नदी बहती है उसमें स्नान करते हैं, और फिर यहाँ से निकलेंगे बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए, और वास्की ताल जाएंगे ऊपर वो पहाड़ों में। भाई साहब काफी मस्त नजारा है। तो भाई साहब आज ना 12 मई है, और आप 12 मई को केदारनाथ का मौसम चेकआउट करो। यहाँ पे ना सुबह 10-11 बजे तक ठंड रहती है, उसके बाद ना मीठी मीठी धूप निकलती है, जो रहने में काफी मजा आता है। और आप ना इस साइड देखो, यहाँ पे कितने सारे टेंट लगे हैं भाई साहब, यहाँ ना कम से कम 300-500 टेंट लगे होंगे, और इसमें से ना आधे यूट्यूबर भाई साहब और आधे ट्रेवलर है जो खुद साथ में अपना टेंट कैरी करके आते हैं। और मेरा ना पावर बैंक जो चोरी हुआ था भाई साहब, वो इस साइड ही एक आश्रम है, वहाँ पे मैं लगा था, चोरी हो गया था, इसलिए कि भाई साहब वीडियो तुम्हारी थोड़ी लेट आती है, बट आप लोग कोई नहीं यार, छोटा भाई मैनेज करना आप लोग। तो ये है जी उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी। और भाई साहब तभी से मैं ना, जैसे ही मैं सोचा कि ऊपर जाऊँ बाबा भैरव के दर्शन करने के लिए, भाई साहब भयंकर वाली बारिश हुई है, देखो आप पूरा पानी जमा है, भयंकर वाली बारिश हुई थी, और मैं ना भाई साहब टेंट के अंदर ही सो के रेस्ट कर रहा था। यहाँ पे भाई साहब सडनली ना 10 मिनट से 20 मिनट के बाद ना मौसम चेंज होते रहता है, कभी भयंकर वाली धूप आती है तो कभी भयंकर वाली तूफान आती है, तो सडनली यहाँ पे मौसम चेंज ना होते रहता है। ठीक है, अभी चलते हैं वहाँ भैरव के दर्शन करने के लिए। यहाँ से लगभग वही 4-5 किलोमीटर का ट्रैक है जो सीधे पहाड़ पे खड़ा रास्ता है। ऐसे ही भाई साहब आपको हर जगह ना भंडारे दिखने को मिल जाएंगे, केदारनाथ में 4 से 5 जगह भंडारे होते हैं। हर हर महादेव भाई, पहचाने? क्या नाम है? गुरुद्वारा में रहते गुवाहाटी में, हम लोग गुरुद्वारा में रहते गुवाहाटी में। अच्छा अच्छा, एक रोहरादित्य भाई। बाल थोड़े बड़े कर लिए। अंकुश कहाँ है? एक राजपूत नीचे चला गया। आप कब जा रहे हो नीचे? कल मैं भी कल जाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। हर हर महादेव। ठीक है भाई साहब, ये मिले अर्षदीप भाई थे, और ये भाई ना मुझे गुवाहाटी में मिले थे जब मैं गुरुद्वारा में स्टे किया था। मुझे ना अंकुश भाई से मिलने के बहुत ज़्यादा मन कर रहे हैं, बट अंकुश भाई है कहाँ मुझे पता ही नहीं है। तो कोई नहीं, फिर नेक्स्ट टाइम दूसरी जगह बद्रीनाथ या फिर तुंगनाथ या फिर यमुनोत्री गंगोत्री कहीं भाई से मुलाकात जरूर हो जाएगी। आप लोग टेंशन मतलब मुलाकात करवाएंगे आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल हमारी ट्रैक यहाँ से भैरव बाबा की ओर शुरू हो चुकी है।
हर हर महादेव। और ऐसा कहा जाता है कि भैरव बाबा ना केदारनाथ के रक्षक हैं, जो ये पूरा केदारनाथ धाम है ना, इनका रक्षा करते हैं भैरव बाबा। अब मंदिर में प्रवेश करने वाले हैं, तो जूता यहाँ पे साइड में उतारना पड़ेगा। तो भाई लोग कर लीजिए आप भैरव बाबा के दर्शन। ट्रैवलिंग करने से ना एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी मैं ना ऊपर आया हूँ भैरव के दर्शन करने के लिए, नीचे हमारे सामान सारे टेंट में पैक है, तो मुझे ना डर लग रहा है कहीं कुछ चोरी ना हो जाए। क्योंकि भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, मेरी वीडियोस जो टाइम टेबल नहीं आती है उसका मेन कारण ये है भाई साहब, मेरी पावर बैंक ना कल चोरी हो गई थी। मैं आश्रम में वहाँ देख सकते हो आप, वहाँ पे जो आश्रम है मैं वो आश्रम में चार्ज लगाया था भाई साहब, बट मेरा पावर बैंक ना चोरी हो गया। इसके साथ साथ भाई साहब यहाँ पे एक दो दोस्त हैं, लड़के हैं जो यूट्यूबर हैं, उनके ना आईफोन चोरी कर लिए, वो टेंट के अंदर घुस के आईफोन चोरी कर लिए। मैं ना ये सोच रहा था पूरी रात यार कि जो बंदा 22 किलोमीटर ट्रेकिंग करके ऊपर आता है केदारनाथ, तो भाई वो इंसान चोरी कैसे कर सकता है। तीन चार लड़के के पावर बैंक चोरी हो चुके हैं, दो बंदे के आईफोन चोरी हो चुके हैं, तो भाई ये ना बहुत बहुत गलत है इस जगह के लिए, बहुत गलत है। मुझे ना बहुत अंदर से गिल्टी फील हो रही है कि ऐसे बंदे क्यों आते हैं यहाँ यार, इससे बढ़िया नहीं आए दर्शन करने के लिए। और भाई साहब केदारनाथ यात्रा संबंधित अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो आप भाई साहब कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ना आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो मैं ना आपके कमेंट्स का जवाब ज़रूर दूंगा। फिलहाल अभी हम यहाँ से चल रहे हैं आदि शंकराचार्य महाराज के दर्शन करने के लिए, जो कि जस्ट केदारनाथ मंदिर से वही 500 मीटर 600 मीटर पीछे है, तो अभी चलते हैं वहाँ पर दर्शन करते हैं। भाई साहब मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गया यार, खड़ी चढ़ाई चढ़ने में ना मेरी सांस फूलने लगती है, मेरी क्या सारे इंसान के सांस फूलने लगती है। जे ना पहाड़ों में एक चीज़ पता नहीं चलती है, जहाँ भी हम महादेव के दर्शन करने जाते हैं ना वहाँ पे इस टाइप के बहुत सारे मिलते हैं, इसका मुझे पता नहीं। अगर आप लोग कोई जानते हैं तो भाई साहब कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और ये देखिए सनो से कितना प्यारा कोई यहाँ बना गए हैं, पता नहीं कौन बना गए बट बहुत ही प्यारा दिख रहा है। अगर भाई किसी को केदारनाथ धाम यात्रा के बारे में पता नहीं है कहाँ से ट्रेन पकड़े कहाँ से बस पकड़े, तो मैं उनको बता देता हूँ। भाई साहब सबसे पहले आप ना न्यू दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ लो, या आपके यहाँ से हरिद्वार के लिए ट्रेन मिलती है तो आप हरिद्वार चले आइए, और हरिद्वार से मॉर्निंग 6 o'clock सरकारी वाली बस खुलती है एक दो, आप वही पकड़ लेना 6 बजे, जो आपको सीधे सोन प्रयाग छोड़ देगी। और सोन प्रयाग से टैक्सी मिलती है जो आपसे 50 रुपया किराया लेगी, जो आपको डायरेक्ट गौरीकुंड तक छोड़ देगी, और गौरीकुंड में आप स्नान करना, और वहां से भाई साहब 24 किलोमीटर का ट्रैक शुरू होता है जो आपको सीधे बाबा केदार धाम नगरी पहुंचा देगा, और यहां पे आप दर्शन कर लेना। तो जिनको पता नहीं भाई साहब वो ये रूल द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। ये वाले भैया ना पिट्ठू चलाते हैं, तो भैया आप बताओ गौरीकुंड से केदारनाथ धाम अगर आप किन्नी को लेके आओगे तो कितना प्राइस लोगे उनसे? बच्चे के कम लगेंगे। हाँ। जी हट्टे कट्टे हैं उनके ज्यादा लगेंगे। और बाप भैरव के दर्शन कराओगे यहाँ से तो कितना लोगे चार्ज? 2000 जाने आने दोनों के। तो भैया अगर कोई श्रद्धालु जाएंगे तो कुछ कम सब करके लेके चले जाना, ठीक है? ठीक है भैया, अब चलते हैं भाई साहब यहाँ से टेंट की ओर, क्योंकि मेरा सारा सामान ना टेंट में है, और मुझे ना डर लग रहा है भाई साहब कि कोई सामान सब लेके वहाँ से भाग ना जाए। ठीक है चलते हैं। और यहाँ पे ऐसा मंदिर के इस साइड से होते हैं वीआईपी दर्शन, जिसमें आप कुछ पैसे वगैरह देके इस साइड से जा सकते हो। अभी बहुत सारे भैया सब ने हाथ में संख लेके इस साइड से अंदर गए, बट वीआईपी दर्शन करने से क्या फायदा भाई साहब, लाइन में करके दर्शन करो। मैं सुबह 4 बजे दर्शन करने लगा था, 9 बजे भाई साहब मैंने दर्शन किया, और मेरा सारा मोबाइल तुबाइल उसमें सारा कुछ ऑफ था, जिस कारण मैंने वीडियो नहीं बना पाई, और बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ था। और अभी ना जस्ट केदारनाथ मंदिर के साइड में एक और मंदिर का निर्माण हो चुका है ना भाई साहब, पानी बहुत ज़्यादा तेज़ पड़ना शुरू हो गया है, अब मुझे ना टेंट के अंदर जाना पड़ेगा,
क्योंकि मैं अगर बाहर रहा भाई साहब तो पूरा मेरा शरीर ना भीग जाएगा, और रात में ना यहाँ बहुत ज्यादा ठंड रहती है, माइनस में टेम्परेचर ले जाता है, तो मुझे ना बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अभी चलते हैं टेंट में और देखते हैं मेरा कोई सामान सब भी टेंट से निकल कोई भाग गया है। नहीं भागेगा यार, क्योंकि मेरे सामने ना वो कबीरा भाई है, उनका टेंट लगा हुआ है, इसलिए कि मैं निफिक्र होकर यहाँ से निकल गया। भाई साहब यहाँ का मौसम ना सडनली पूरा चेंज होने लगा है, तो ठीक है अभी आप टेंट के अंदर चलते हैं और आज का ब्लॉग ना इतना ही रखते हैं। तो भाई साहब वीडियोस कैसी लगी प्लीज़ कमेंट जरूर करिएगा, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए आए हो घूम फिर के कहीं से भटक के आ गए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और कल ना मैं यहाँ से सीधे गौरीकुंड की ओर निकल जाऊँगा, क्योंकि यहाँ जो ऊपर बासुकी ताल है भाई साहब वो अकेले जाना संभव नहीं है, उसके लिए कम से कम 4 से 5 लड़के चाहिए, क्योंकि आप वो सामने मौसम देख के भी अनुमान लगा सकते हो, ऊपर ना पूरा ग्लेशियर है, और कहीं पर अगर हमारी पैर वैर मिस हुई भाई साहब तो सीधे ग्लेशियर के अंदर चले जाएंगे। ये देखो कितना अब फॉग तेजी से चल रहा है। तो ठीक है आज का ब्लॉग इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हर हर महादेव।